हेलो डियर पेरेंट्स एंड हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एलकेजी क्लास एक्टिविटी और नर्सरी क्लास एक्टिविटी, क्योंकि एलकेजी और नर्सरी का सेम टू सेम थोड़ा सा सिलेबस ही डिफरेंट होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एलकेजी और नर्सरी क्लास के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए होम में और स्कूल में। स्कूल में भी हम उनके अलग से चार्ट होते हैं जो स्कूल की दीवारों पर होते हैं, उनको देख लेते हैं या फिर मैम उनके लिए ड्राइंग कर देती है बोर्ड पे या नोटबुक से समझाती है या बुक से समझाती है, लेकिन हम उनके लिए कुछ डिफरेंट कैसे करें कि उनका पढ़ाई में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बनता जाए। पेरेंट्स को क्या करना होगा या टीचर्स को, उनके लिए चार्ट बनवाने होंगे, चार्ट उनकी क्लास में चिपकाने होंगे जो वो खुद बना के लाएँ उनकी पेरेंट्स की हेल्प से। तो इस तरीके से हम उनके लिए चार्ट बनाएंगे। जैसे ये A to Z चार्ट है, A to Z अल्फ़ाबेट चार्ट है, तो इसको देख के कि ओ ये तो मैंने बनाया था, मेरे सामने बना था, तो इसको देख के वो ज़्यादा याद करेंगे। इसी तरीके से स्वर का चार्ट है, जैसे स्वर का चार्ट है इसी तरीके से कै कबूतर खै खरगोश, इसी तरीके से हम व्यंजन का चार्ट भी बनाएंगे और छोटे बच्चों को दिखाएंगे, फिर उनका पढ़ाई में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। एंड देन इसी तरीके से क्या है, फ्रूट का चार्ट है, फ्रूट का चार्ट भी बच्चों को दिखाएंगे। ये क्रिएटिविटी करते रहेंगे ना हम पढ़ाई के बीच बीच में, स्टडी के बीच बीच में हम कुछ अलग करेंगे, ऐसे नहीं है कि वो लगातार बस बुक से रिलेटेड ही चीज़ें पढ़ता जाएगा, स्टडी से कुछ अलग से चीज़ें समझाएंगे, जैसे एक्टिविटी होगी, क्लैपिंग होगी, क्लोज डाउन अप स्टैंड एंड रिंगिंग रोलिंग, ये सब एक्टिविटी के साथ साथ स्टडी के साथ साथ हम चार्ट एक्टिविटी भी डाल देंगे अगर उनकी स्टडी में, छोटे बच्चों की स्टडी में, देन वो इंटरेस्ट लेंगे स्टडी में। देखिए वेजिटेबल चार्ट कितना अच्छा है, वेजिटेबल चार्ट, उनका वेजिटेबल खाने का भी मन करेगा, छोटे बच्चों को हम बोलेंगे वेजिटेबल खाओ और बड़े बच्चे कहलाओ और फिर पढ़ाई में ज़्यादा ज़्यादा और भी अच्छे बच्चे बनो, फिर ज़्यादा पढ़ाई करो। इस तरीके से हम ये सब एक्टिविटी जो पढ़ाई के साथ साथ लेंगे तो बच्चों का स्टडी में और ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा। ये चार्ट मैंने कैसे बनाया है, विद द हेल्प ऑफ गूगल, गूगल से मैंने ड्राइंग सीखी है, फिर सभी ऐसे सीखते हैं, पहले सीखना पड़ता है फिर ड्राइंग की एंड देन आफ्टर आई क्रिएट इट। हम छोटे बच्चों को इस तरीके से भी सिखा सकते हैं और ये चार्ट हम क्लासरूम में चिपका सकते हैं, घर में भी चिपका सकते हैं, घर में छोटे बच्चे के रूम में, और तो वो इसको बार बार देखेगा तो बार बार ज़्यादा सीखेगा, इन चार्ट को देख देख कर वो बहुत ज़्यादा सीखेंगे। तो ऐसे ऐसे अनार आसे आम, इसे इमली बड़ी, इसे ईख, उसे उल्लू बड़े, उसे ऊन, ऋषि ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, औसे औरत, अंके अंगूर, अखाली, इनकी एग्जाम्पल दे देकर समझाना है। जैसे ऐसे अनार, अनार खाएंगे बड़े बच्चे बन जाएंगे, ऐसे आम, आम येलो होता है, स्वीट होता है, किंग ऑफ फ्रूट होता है, इस तरीके से इनकी एग्जाम्पल देने हैं। ऋषि क्या है, ऋषि हमें ज्ञान देता है, उसे उल्लू नाइट में देख सकता है, ये बर्ड है, इसे ऐनक, दादाजी ऐनक लगाते हैं, उसे ओखली कहाँ रखी है किचन में, इस तरीके से हम एग्जाम्पल दे देकर इनको समझा सकते हैं। इसे ऐसे ही हम फ्रूट का एग्जाम्पल देंगे एंड देन इसी तरीके से हम अल्फाबेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।